नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज़। रुड़की के सालियर से मंगलौर को जा रहे बाईपास पर पनियाला के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची गंगनहर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक की पहचान उसके आधार कार्ड से इक्कर थाना पथरी जिला हरिद्वार निवासी सतवीर के रूप में हुई। मृतक की हत्या गला रेत कर की गई है। फिलहाल गंगनहर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवा दिया है। सूचना पर मृतक के परिजन और ग्रामीण भी अस्पताल पहुंच गए हैं। बताया गया है कि युवक पंजाब जाने के लिए सोमवार की शाम को घर से निकला था। उसके साथ दो युवक और थे जो उसे अपने साथ ले गए थे। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी की तलाश शुरू कर दी है, साथ ही घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मृतक का मोबाइल भी पुलिस को नहीं मिला है। सीओ रुड़की विवेक कुमार का कहना है कि घटना की जानकारी जुटाई जा रही है, जल्द ही आरोपियों का पता लगा लिया जाएगा। आज सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जो हाईवे पर है एक व्यक्ति का शव जो है हमें बरामद हुआ है। तस्दीक करने पर पता चला कि ग्राम इकड़ का रहने वाले सतबीर हैं, उनकी शव है। बाकी शव को हमने अभी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजनों से हम बात कर रहे हैं और इस मामले में क्या है इसको लेकर अभी हम जाँच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई इसमें की जाएगी। दो इस बारे में हम अब तस्दीक कर रहे हैं कौन व्यक्ति हैं, जानने वाले ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके जानने वाले हैं जो अंतिम बार इनको लेके गए हैं। बाकी तथ्यों की हम तस्दीक कर रहे हैं। सर, एक साल पहले भी इस पर हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी, वो सारे तथ्य हम इकट्ठे कर रहे हैं। धन्यवाद।